ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, वायदे के मुताबिक आज मैं नेक्स्ट वीडियो अपना लेके आया हूं एर्टिगा और XL6 के बारे में, जिनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्राइजेज भी हमारे सामने हैं, स्पेसिफिकेशन हमारे सामने हैं, लेंथ विड्थ हाइट की भी बात करेंगे और बाद में लास्ट में बात करेंगे कि क्या वर्डिक्ट निकलता है कि वर्थ बाय बनती है हमारे लिए एर्टिगा के सामने XL6। चलो 7 सीटर 6 सीटर बात अलग है, फिर भी साइज तो एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है, तब भी वर्थ बाय बनती है या नहीं बनती। चलिए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं आज। पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि पहले कमियां गिनते हैं XL6 की एर्टिगा के सामने। एर्टिगा के सामने कमी सबसे पहली यह है कि उसके अंदर डीजल वेरिएंट नहीं है। अगर आपको डीजल वेरिएंट चाहिए तो एर्टिगा पे जाइए। दूसरी कमी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएंट आ रहे हैं। अगर आपको ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए या कम कीमत की गाड़ी चाहिए तो फिर भी आप एर्टिगा के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। और दोस्तों तीसरी बात और है कि इसके अंदर जैसे एक ऑप्शन आई है VXI के अंदर CNG की एर्टिगा के अंदर, तो वो ऑप्शन अगर आपको CNG की ऑप्शन चाहिए तो भी आप एर्टिगा भी जाइए। इधर आपके पास XL6 में तो कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे ये चीजों का चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब करते हैं दोस्तों लेंथ विड्थ हाइट व्हील बेस की बात। जैसे कि हमें पता है प्लेटफॉर्म सेम है तो लेंथ विड्थ हाइट तो सेम होगी, थोड़ी जो 5-10-20 mm का जो फर्क है लंबाई चौड़ाई में हाइट में, वो दोस्तों सिर्फ बॉडी क्लैडिंग की वजह से या फिर बम्पर की जो शेप बदली गई है उसकी वजह से वो फर्क है, तो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों जैसे कि हमें पता है लेंथ XL6 की है 4445 और एर्टिगा की है 4395। अब अगर विड्थ की बात करूं तो 1775 XL6 की, 1735 है एर्टिगा की। इसमें हम ये बात मान के ना चलें कि विड्थ इसकी ज्यादा, टेक्निकली कागजों में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 3 सीट्स के अंदर ज्यादा पीछे जगह हो गई, सिर्फ बॉडी क्लैडिंग का फर्क है। बाहर जो व्हील आरसी बड़े बड़े ब्लैक कलर के लगे हुए हैं उनके करके ये फर्क आया है इसके अंदर। अब दोस्तों इसको अगर मान के चले कि कोई अच्छी चीज हमें लग रही है, जो बाहर की बॉडी क्लैडिंग बड़ी सारी व्हील आरसी के ऊपर लगी हुई है, वो डिजाइन मैटर करता है। आपको किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा। मेरे को पर्सनली अगर मानो तो इस गाड़ी के अंदर वो चीज सूट नहीं कर रही, मेरे को पर्सनली लगता है। आइदर ये चीजें सब अपनी अपनी चॉइस की चीजें हैं। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों हाइट की। तो हाइट है 1690 है एर्टिगा की, सिर्फ 10 mm बड़ी है, वो भी जो रूफ रेल्स है उसके करके बड़ी है एर्टिगा के सामने XL6 1700 mm के साथ। अगर व्हील बेस की बात करो तो 2740 mm का व्हील बेस दोनों का सेम है। अब यहाँ पे फर्क आता अगर प्लेटफॉर्म में या कोई डिजाइन में फर्क होता तो दोनों गाड़ियां तकरीबन सेम है। अगर अब इंजन की बात करें तो डीजल जैसे है ही नहीं तो डीजल की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन की। 1.5 लीटर का के सीरीज का जो इंजन है जो कि 103 bhp की पावर जनरेट करता है 138 nm की टॉर्क के साथ, 5-speed मैनुअल और 4-speed ऑटोमेटिक दोनों के अंदर सेम आ रहा है। माइलेज भी दोनों की तकरीबन सेम है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके। लंबा करने का वीडियो को कोई फायदा नहीं है, आप पिछला वीडियो देखिए अगर XL6 के बारे में ही जानना चाहते हैं आप तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो कीमतों की बात करते हैं, कीमत जो दो ही वेरिएंट जैसे हमें पता है कि इसके अंदर आए हैं जीटा अल्फा दोनों के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों है, तो जो जीटा है उसके अंदर भी काफी सारी खासियतें हैं, उनको प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है। इसमें अलॉय व्हील्स से लेके ऑटो एसी, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सब कुछ उसके अंदर डाला गया है और एलईडी हेडलाइट्स भी डाल दी गई। तो जो वेरिएंट है जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा भी है। उस वेरिएंट के सामने कौन सा वेरिएंट बैठता है एर्टिगा का, हम बेस वेरिएंट की बात नहीं करेंगे, ZXI प्लस वेरिएंट उसके सामने सूट करता है जिसकी कीमत तकरीबन 960,000 के करीब पड़ती है और उसके सामने ZXI प्लस के सामने जीटा की कीमत बनती है 980,000 के करीब, यानी कि तकरीबन 20,000 गाड़ी महंगी है वो। अब इस 20,000 में हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो हमें एलईडी हेडलाइट्स मिल रही हैं, एलईडी DRLs मिल रही हैं, फॉग लैंप्स मिल रहे हैं और एलईडी ही टेल लाइट मिल रही है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल एर्टिगा के अंदर नहीं है। फिर रूफ रेल्स मिल रही हैं, रिमोट ट्रंक ओपनर हमें मिल रहा है। दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं डे नाइट रियर व्यू मिरर के साथ और एयर क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम हमें मिलता है इसके अंदर, जो कि इसको थोड़ा सा डिफर कर देता है ZXI प्लस से। और ZXI प्लस में क्या मिलता है हमें, ZXI प्लस में सिर्फ और सिर्फ अलग खासियत क्या है कि लेदर रैप्ड है स्टीयरिंग, बस इतना फर्क है।
और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों के अंदर कॉमन है, जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ रहता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की दोनों की सुविधा उसके अंदर मिल जाती है हमें। अब दोस्तों अगर बात करें कि जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर क्या है, जो टॉप वेरिएंट है दोस्तों इसके अंदर जो ZXI वेरिएंट है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ही ऑटोमेटिक आ रहा है। ये थोड़ी सी परेशानी हमें एर्टिगा के अंदर मिलेगी, जबकि जो गाड़ी XL6 है उसके अंदर दोनों वेरिएंट अच्छे हैं और टॉप वेरिएंट के अंदर भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है, 4-speed का ऑटोमेटिक जो दोनों में है, तो उसके अंदर फुल बेल्स एंड विसल के साथ मिलता है हमें, जबकि सिर्फ ZXI ऑटोमेटिक मिलता है हमें एर्टिगा के अंदर। अगर कीमतों की बात करें तो कीमतों में भी अच्छा खासा फर्क मिलेगा, थोड़ा फर्क नहीं अच्छा खासा फर्क मिलेगा। ZXI AT की कीमत है यानी कि ऑटोमेटिक की कीमत है 10,05,000 रुपए, जबकि अल्फा ऑटोमेटिक जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,46,000 रुपए, यानी कि 1,40,000 रुपए का डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों के अंदर है। उसके लिए दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहली बात तो उसके अंदर एयर क्वालिटी कंट्रोल हमें मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ग्लॉसी अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, हालांकि अलॉय व्हील्स तो उस गाड़ी में भी हैं एर्टिगा में भी, लेकिन इसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक मिलते हैं और जो ORVM से बाहर वाले वो भी हमें ग्लॉसी ब्लैक पेंटेड मिल जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम साथ में मिल जाता है। अब इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, जो कि ZXI के अंदर हमें नहीं मिल पाता ऑटोमेटिक में। उसके बाद लेदर हमें सीट्स है और लेदर ही स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है। रूफ रेल्स हमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये चीजें अगर देखें तो 1,40,000 रुपये लगाना नहीं वर्थ बनता। VXI और ZXI के अंदर हमें वेरिएंट मिल जाते हैं हमें ऑटोमेटिक के भी, अगर हम 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि हमें 6-seater गाड़ी मिल रही है और LED हेडलाइट्स मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं बनती वो चीजें। अगर आपने ऑटोमेटिक ही लेना है तो आप और XL6 ही लेनी है तो फिर हम ZETA के ऊपर ही जाएं, यानी कि ZETA का मैनुअल, ZETA का ऑटोमेटिक दोनों ही अच्छे हैं एर्टिगा के सामने। वर्डिक दोस्तों यही निकलता है इसका कि अगर हमें डीजल गाड़ी चाहिए, CNG गाड़ी चाहिए, फिर तो हम जाएं एर्टिगा के पास। XL6 में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर अगर हमें पेट्रोल में गाड़ी चाहिए, थोड़े ऊंचे लेवल में यानी कि हायर वेरिएंट्स में चाहिए, तब हम जा सकते हैं XL6 के पास, जिसके पास कि ZETA के अंदर मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ZETA के अंदर काफी सारी अच्छी सारे फीचर्स आ रहे हैं, काफी सारे ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो कि हमें ZXI वेरिएंट में भी नहीं मिल पाते ऑटोमेटिक में। बताइए दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या आपको क्या लगता है कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ और है जो आप बताना चाहते हो, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बात करेंगे उसके बारे में। कमेंट्स जरूर बताइएगा, अपने सुझाव दीजिए जरूर, जिन्होंने अभी गाड़ी लेनी है या कि जिन्होंने गाड़ी बुक करनी है, XL6 या एर्टिगा कौन सी गाड़ी बेटर है। नीचे के वेरियंट्स लेने हैं, डीजल लेनी है, CNG लेनी है, एर्टिगा पे जाइए। ऊपर का वेरियंट मेरे को सबसे सिर्फ ZETA ही मेरे को सूट करा, इधर 11.5 लाख रुपए लगाने का मेरे हिसाब से कुछ सेंस ही नहीं बन रही। सेम गाड़ी, सेम इंजन और सेम ही सर्विस नेटवर्क, तो हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें, किसी के लिए एक्स्ट्रा पैसे दें। दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर हमें पता लग सके कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए ज्यादा वर्थ टू बाय बनती है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।